आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करेले की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आपने न तो आज तक बनाई होगी न तो खाई होगी। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम के करीब करेले लिए हैं और आधा कप यहाँ पे मसूर का दाल लिया है। तो सबसे पहले करेले को इस तरह से ऊपर और नीचे के पोर्शन को निकाल देना है। इस तरह से यहाँ पे मैंने करेले को ऊपर और नीचे का पोर्शन निकाल दिया है और अब इन करेलों को ग्रेट कर लेना है। तो इस करेले की रेसिपी के लिए आपको जो करेला लेना है वो बिल्कुल कोमल वाले करेले लेने हैं। जिस करेले में बीज ज्यादा मोटे हो जाते हैं वो करेला इस रेसिपी के लिए यूज नहीं करिए। और इस तरह से जो बीज निकल रहे हैं इनको आप निकाल दीजिए, इनको ऐड नहीं करना है। तो इसी तरह से सारे करेलों को ग्रेट कर लेना है और यहाँ पे सिर्फ हमें बीज को डिस्कार्ड करना है। और इस तरह से अगर पोर्शन बचता है तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लेंगे। सभी करेलों को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से जो सीड कवर निकल जाता है इसको भी सीड निकाल के यहीं पे ऐड कर देंगे। इसको वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें सीड को निकाल लेना है और ये पोर्शन इसी में ऐड कर देंगे। कुछ तो सीड के कवर खुद निकल जाते हैं और कुछ को आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये सीड कवर को भी निकाल लिया है और ये जो पोर्शन बचा है जो कि ग्रेट नहीं हो रहा है तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। करेले काफी पौष्टिक रहते हैं तो इसका कुछ भी आप फेंकिए नहीं। मुझे तो करेले के बीज भी काफी पसंद है, मैं तो सब्जी में उसे भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रहे इसलिए मैंने यहाँ पे बीज को निकाल दिया है। तो करेले यहाँ पे ग्रेट हो गए, इसे साइड में रखेंगे और ये जो मसूर का दाल है इसे एक बोल में ट्रांसफर करना है और उसके बाद इसको पानी डालकर 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरह से मसल मसल के आप वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए सोख होने देंगे। 20 से 25 मिनट पे आपका मसूर दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से भींग जाता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे गर्म पानी में भींगा दीजिए। गर्म पानी में मुश्किल से 10 मिनट में ये भींग के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मसूर दाल को मैंने पहले से ही आधे घंटे के लिए भींगा के रख दिया था और इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से भी कट रहा है। बस इसी तरह का भींगा हुआ दाल आपको चाहिए। तो अभी इसे साइड में रखते हैं, चलिए गैस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अभी उसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच तेल। ज्यादा तेल यहाँ पे नहीं ऐड करना है और तेल को यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च का प्रोपोर्शन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और इसी के साथ जो हमने करेले को ग्रेट करके रखा है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे करेलों को फ्राई कर लेना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर जो है वो सूख नहीं जाता, तब तक इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्राई करने से करेले का जो कड़वापन रहता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और ये देखिए करेले यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, इसका सारा पानी जो है वो सूख गया है। तो इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, प्याज भी करेले के कड़वेपन को कम करते हैं। और अभी प्याज को भी यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है जिससे प्याज थोड़े से क्रंची भी रहेंगे और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है एक खल और खल में ऐड करेंगे 2 चम्मच रोस्ट की हुई मूंगफली और मूंगफली को यहाँ पे मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। मूंगफली का छिलका मैंने यहाँ पे निकाल दिया है थोड़ा सा क्रश करने के बाद, अब इसको थोड़ा सा और क्रश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको क्रश कर लेना है। मूंगफली क्रश हो गई है, चलिए अभी प्याज को चेक करते हैं। और ये देखिए प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इनमें एक अच्छी सी शाइन आ गई है। तो अभी इसमें ये क्रश की हुई मूंगफली ऐड कर देंगे और इसी के साथ सेम खल में 5 से 6 कली लहसुन को भी क्रश कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। तो अभी जो हमने लहसुन को क्रश किया है उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। लहसुन डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको और भून लेना है। 1 से 2 मिनट हो गया है तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो अभी इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अभी इस मिक्सचर को साइड में रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अभी हमें एक मसाला पेस्ट बना के रेडी करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च और इसी के साथ लेना है 2 टमाटर, 5-6 कली लहसुन का और 3 हरी मिर्च। मिर्च का प्रोपोर्शन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो अभी मिक्सी के जार में इन सभी चीजों को भी ऐड कर देना है। टमाटर को मैं यहाँ पे कट करके ऐड कर रही हूँ जिससे ये अच्छे से पिस जाएंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, 2 से 3 डंडी, इससे ज्यादा नहीं ऐड करना है। और अभी ढक्कन लगा के बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए बिना पानी के मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया है। टमाटर और जो धनिया में पानी रहता है उसे ये पेस्ट जो है वो बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है। तो अभी इस पेस्ट को एक बोल में निकाल लेंगे और सेम मिक्सी के जार में जो हमने ये मसूर दाल को भिंगा के रखा है उसको ऐड कर देंगे। और अभी इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा,
और इसी के साथ एक आधा इंच का टुकड़ा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अदरक को कट करके ऐड करूंगी और अब इसे ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल कम से कम पानी में इसे ग्राइंड करना है। और ये देखिए बिना पानी के मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट रेडी कर लिया है। थोड़े से अगर दाल के टुकड़े बचते तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो अभी इसे साइड में रखेंगे। चलिए वापस गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने सेम कढ़ाई को फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल पसंद करते हो ले लीजिए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच सौंफ। करेले की सब्जी में सौंफ का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। और जैसे ही सौंफ हल्के से फ्राई हो जाएंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे दो बड़े साइज के स्लाइस किए हुए प्याज। और प्याज को यहाँ पे सिर्फ एक से दो मिनट के लिए फ्राई करना है, इनमें कोई कलर नहीं लाना है, सिर्फ प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही इनको फ्राई करना है। और ये देखिए प्याज यहाँ पे हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, मैंने इनको हाई फ्लेम पे ही दो से तीन मिनट के लिए भून लिया है। और अब इसमें कुछ बेसिक से पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। मिर्च का प्रोपोर्शन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा चम्मच यहाँ पे ऐड करेंगे सौंफ पाउडर। एक मिनट के लिए इन मसालों को भून लेना है और एक मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया का पेस्ट बना के रखा था उसको। और अब इसको भून लेना है जब तक कि साइड से ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। और ये देखिए यहाँ पे मसाले भून गए हैं, साइड से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच दही और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच टोमेटो सॉस। अगर आप टोमेटो सॉस ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ऐड कर दीजिए। तब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर से एक बार मसाले को भून लेना है जब तक कि इसे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसको भूना है तो दही जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है, फटी नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है, ये एक साथ इकट्ठा भी हो रहा है और साइड से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस इसे इतना ही भूनना था। और अभी इसमें ग्रेवी के लिए ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी। इस रेसिपी में ग्रेवी थोड़ी सी लिपटी हुई ही रहेगी इसलिए यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और अभी इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। और एक बार सारी चीजें मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो अभी इसे मैं साइड में ट्रांसफर कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें ऐड करेंगे तेल और तेल को गर्म होने देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो हमने करेलों को फ्राई करके रखा है ये बिल्कुल अच्छे से अभी ठंडा हो गया है, तो इसमें ऐड कर देना है जो मसूर दाल का पेस्ट हमने बना के रखा था। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक सिर्फ यहाँ पे इस मिक्सचर के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है क्योंकि हमने ग्रेवी में ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे नमक को ऐड करना है। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे बारीक बारीक सा कट कर ले रही हूँ। तभी इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी बनती है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और जो करेला नहीं भी खाते होंगे वो भी इस रेसिपी को पसंद करेंगे। ये रेसिपी फ्लेवर से भरपूर है तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। और ये देखिए सभी चीजों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। तभी इस मिक्सर से मैं इस तरह के ओवल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जो भी बनाइएगा उसके शेप इस तरह से छोटे छोटे ही रखिएगा। इस तरह से आप इसके छोटे छोटे से बॉल भी बना सकते हैं या इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्की भी बना सकते हैं। सारे मिक्सचर से मैंने इस तरह से ओवल्स बना के और रेडी कर लिए हैं। चलिए फिर गैस की तरफ चलते हैं। और ये देखिए तेल भी यहाँ पे गर्म हो गया है, तो अभी इसमें ओवल्स को ऐड कर देंगे और अभी इनको लाइट गोल्डन कलर के फ्राई कर लेना है। और ये देखिए इनमें बिल्कुल परफेक्ट सा कलर आ गया है, तो अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में और दूसरे लॉट को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। कोफ्तों को डालते समय गैस का फ्लेम हाई रखना है और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। और ये देखिए दूसरा लॉट भी यहाँ पे रेडी हो गया है। इन ओवल्स को बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बनाएं तो थोड़ा सा प्रेस कर करके बनाइएगा, नहीं तो देखिए अगर आप इसको प्रेस करके नहीं बनाएंगे तो इस तरह से ये हल्का सा खुल सकता है। तो आइए अब इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। सारे ओवल्स यहाँ पे फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे कुछ ओवल्स गायब भी हो गए हैं। ये इतने टेस्टी लग रहे हैं कि कुछ को तो बच्चों ने ऐसे ही एंजॉय कर लिया है। चलिए अभी ग्रेवी को चेक करते हैं। और ये देखिए ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो गया, ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो गई है। ग्रेवी को ज्यादा बॉइल करने का जरूरत नहीं था क्योंकि इसमें क्योंकि सारी चीजों को हमने पहले से भून लिया था। तब इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर दी है और इसमें आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। एक बार इसे मिक्स करना है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। और ये देखिए प्याज भी अभी तक गले नहीं है इसलिए मैंने प्याज को सिर्फ हल्का हल्का भूना था। और अब इसमें जो हमने ओवल्स को फ्राई करके रखा था वो सारा यहाँ पे ऐड कर देंगे। वैसे आप ग्रेवी में जितना खाना हो उतना ही ऐड करिए, आप इसे स्नैक्स की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं, काफी टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पे मैंने ये 3-4 बचा लिए हैं, इसे आप सॉस के साथ खाइए, काफी अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पे इनको एक बार मिक्स कर लेना है, ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेना है। आप इसे ग्रेवी में डाल के तुरंत ही क्रिस्पी क्रिस्पी भी सर्व कर सकते हैं, उस तरह से भी ये काफी अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पे करेले की बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जी रेडी हो गई है, इसके ऊपर
थोड़ा सा धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे। यहाँ पे करेले की बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी एंजॉय करने के लिए रेडी है। इसे एंजॉय कर सकते हैं सिंपल रोटी के साथ, भाकरी के साथ, स्टीम राइस के साथ, किसी के साथ भी ये काफी अमेजिंग लगता है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए, और अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay connected.